पिछले वीडियो में आपने सॉलिड स्टेट के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आइए आज हम देखते हैं कि जो क्रिस्टल होते हैं उनमें क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल लेटिस की। क्रिस्टल लेटिस का अर्थ है एक जाल, जैसे यहाँ पे आप एक जाल जैसी रचना देख रहे हो, अर्थात द 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स आर मॉलिक्यूल्स आर आयंस इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। एक ऐसी संरचना जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो 3D अरेंजमेंट होता है और उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लेटिस कहते हैं। क्रिस्टल लेटिस जिस इकाई से बनता है, अर्थात स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लेटिस इज नोन एज यूनिट सेल। तो यूनिट सेल या इकाई सेल इस क्रिस्टल लेटिस की एक छोटी यूनिट है और ये यूनिट सेल जो है तीन प्रकार यहाँ पे दिखाएं, 3 types दिखाएं। सबसे फर्स्ट है सिंपल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। आइए हम यहाँ देखते हैं चित्र की सहायता से कि सिंपल क्यूब, जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हैं जिसमें सिंपल क्यूब दिखाया गया है और इस क्यूब में 8 कॉर्नर है और प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक एटम है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो है पोलोनियम, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है इसका पोलोनियम है। अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड जो यूनिट सेल है इसमें आप देख रहे हैं कि सेम सिंपल क्यूबिक टाइप तो रचना है, लेकिन इस यूनिट सेल के अंदर भी एक जो है आपको पॉइंट अर्थात एक एटम या मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल यानी BCC। और ये ऐसी स्ट्रक्चर सीजियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, ऐसे कंपाउंड्स में ऐसे मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो BCC होती है। थर्ड कैटेगरी है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर है क्यूब के, उन 8 कॉर्नर पर पॉइंट देख रहे हैं आप, 8 पॉइंट हैं, लेकिन इसमें जो फेस है ना, जैसे क्यूब होता है उसकी जो फेस है तो उसकी 6 फेस होती है और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक फेस में सेंटर में मॉलिक्यूल है या आयन है, फिर दूसरे फेस में भी यहाँ पर मॉलिक्यूल अथवा आयन प्रेजेंट है, इसी ढंग से यहाँ पर भी आयन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, और फेस के आगे और फेस के पीछे मतलब दूसरी साइड भी प्रेजेंट है। तो ये फेस सेंटर्ड जो है क्यूबिक यूनिट सेल हुआ। और इनके जो सूटेबल एग्जाम्पल है वो है रॉक साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, आयरन, निकल, एल्यूमिनियम, ट्रांजिशन मेटल्स। तो यहाँ पर आपने अभी सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC इनके बारे में जो है अध्ययन किया। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने ये जानकारी प्राप्त की है कि क्रिस्टल लेटिस क्या होते हैं और यूनिट सेल और उनके प्रकार क्या होते हैं। धन्यवाद।